बोर्ड आईसीएसई बोर्ड टर्म वन एग्जामिनेशंस, आखिर भैया कहाँ गायब हो गए। भैया ने तो कहा था कि आज भैया हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशंस के ऊपर अपडेट देंगे। तो ये रहे आपके भैया और मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए अपडेट्स। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा और अपडेट्स भी दूंगा आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन मैटर जो लोग आप लोग चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग जितने भी मेरे भाई बहन हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, कि आप अगर एक बच्चा कहता है कि मुझे ऑफलाइन एग्जाम चाहिए तो आप उसे भी रेस्पेक्ट देंगे। दूसरी तरफ मैं कहूंगा आप लोगों से, अगर एक बच्चा कहता है कि मुझे ऑनलाइन एग्जाम चाहिए आप उसे भी रेस्पेक्ट देंगे, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों हर एक इंसान का, हर एक स्टूडेंट्स का, हर एक पेरेंट्स का यहाँ पे अधिकार है अपना राय रखने का। यहाँ पे स्टूडेंट्स हो या कोई भी टीचर हो उसका भी अधिकार है, राइट्स है कि वो अपना ओपिनियन आपके सामने रखे। बैकग्राउंड पे मत जाना प्लीज, अपने सेटअप पे नहीं हूँ, पेरेंट्स के रिलेटिव मैं आया हूँ, दैट इज मेरी ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमदर के पास। सो बेसिकली मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हर एक स्टूडेंट्स पेरेंट्स सबके ओपिनियन को आप रेस्पेक्ट देंगे। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग वेदांतु के मोस्ट पॉपुलर टीचर जो कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और ये बहुत फेमस हैं, इनके टीवी शोज तक इनके इंटरव्यू हैं और आप इनका ओपिनियन देख सकते हो जाकर ऑनलाइन और ऑफलाइन के ऊपर इन्होंने जो बातें बताई हैं उससे रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूँ। देख लो, इतने बड़े सेलिब्रिटी आप कह सकते हैं, ये टीचर भी हैं, सेलिब्रिटी टाइप के लोग हैं, जिनका कहना है कि ऑफलाइन जो कह रहे हैं कि हमें ऑफलाइन एग्जाम चाहिए, वो इसलिए कह रहे हैं ताकि हमारा फ्यूचर में ये हैबिट हमसे छूट जाए ऑनलाइन का और हम लोगों का रिजल्ट का वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, आई रेस्पेक्ट, यू शुड ऑल्सो रेस्पेक्ट दिस, बट मेरे प्यारे दोस्तों जो लोग ऑनलाइन का डिमांड कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमें अपना फ्यूचर बचाना है, हमें टर्म वन ओनली ऑनलाइन चाहिए जस्ट बिकॉज हम कोविड 19 से बचना चाहते हैं, हमारा हेल्थ है, और अगर हम कोविड से ना भी बचें तो भी हमारा ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है और फर्स्ट टर्म हमें ऑनलाइन का एग्जाम का ऑप्शन मिलना चाहिए क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं है। और जब फाइनल एग्जाम आएगा तो अगर हम इसमें फोकस कर लेंगे तो हम फाइनल एग्जाम में कैसे फोकस करेंगे जबकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ रहेगा, उसमें प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स और कितना ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेशराइज होंगे और रहेंगे, है ना। तो आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ यू एंड एवरी टीचर। एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यूट्यूब कम्युनिटी पे बेसिकली ऐसा मुझे बहुत खराब लगता है। आई रेस्पेक्ट अनुराग सर, आई रेस्पेक्ट गौरव सर फ्रॉम एसबीजे क्लासेस, आई रेस्पेक्ट अनुराग सर फ्रॉम अनुराग त्यागी क्लासेस, एग्जाम जानकारी, सबको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे दो सिचुएशन देखूँ, पहला सिचुएशन जैसा कि गौरव सर कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, केस करना चाहते हैं ताकि बच्चों के लिए कुछ हो सके, बट अनुराग सर दूसरी तरफ इसके लिए डिसअग्री कर रहे हैं, ये उनका ओपिनियन है, उनका राय है, नॉट अ इशू। बट आई थिंक अनुराग सर को थोड़ा सपोर्ट दिखाना चाहिए बिकॉज जब एग्जाम कैंसिल हो रहे थे तब भी कोई उम्मीद किसी के पास नहीं था कि एग्जाम कैंसिल भी हो सकते हैं, बट स्टिल जब सब लोग मिल गए, जब यूनिटी आया तब जाके ये पॉसिबल हो पाया था। जब यूनिटी नहीं रहेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद स्टूडेंट्स का यहाँ पे लॉस होगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक ट्राई करके देख लेते हैं, अगर कुछ ना हो सका तो ना हो, बट प्लीज सर और प्लीज मैं आप सबको, किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं आप सबसे अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ और सबको रेस्पेक्ट करता हूँ। अब बात कर लेते हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई अभी तक क्या अपडेट है सुप्रीम कोर्ट का। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर सुखपाल सर, हाल ही में सर ने, गौरव सर ने भी अपडेट देते हुए बताया है कि आपके लिए 2 यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स रखे गए हैं। यहाँ पे पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोगों के ऑनलाइन स्टडीज हुए हैं तो ऑनलाइन एग्जाम्स भी होने चाहिए। जो भी डिटेल्स, 8,000 से ज्यादा फॉर्म आप लोगों ने भरा है, 8,000 स्टूडेंट्स ने, एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, जो फॉर्म आपसे फिल कराए गए थे, आपके प्रॉब्लम्स आपने शेयर किए हैं वो सारे कलेक्टेड हैं सर के पास, और सर जस्ट आपको पता है काफी ज्यादा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो एक कोशिश करके देख लेना चाहते हैं सर। मे बी आज सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कलेक्ट किया है, कब जाकर सबमिट कर दें, कल जाकर सबमिट कर दें और आपके लिए जो डेट्स वहां से मिल जाएं। बट यही अपडेट्स थी मेरे पास एंड आई रिक्वेस्ट एंड एवरीवन कि आप लोग एक बार सपोर्ट देकर दो, सब लोग, है ना, सब लोग जब एक साथ आएंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा और लाइक दैट। बट मैं सबको रेस्पेक्ट करता हूँ, सबका ओपिनियन को मानता हूँ, जो जैसा कहे, जो कहे, आई रेस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है स्टूडेंट्स आप जरूर बताएं और देखते हैं, अगर केस हो जाता है आपके लिए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका एग्जाम्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आ जाए, तो इस छोटी सी सेकंड्स की वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, थैंक यू सो मच। क्या आपको इंग्लिश बोलने में लगता है डर? तो इस डर को आप कम्प्लीटली दूर कर सकते हैं डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से, जहां पर इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा के मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी बेसिक से। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट रखते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फटेदार आपको इंग्लिश बोलनी है, तो आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा करें। थैंक यू सो मच।